आप देख सकते हो मैं हूँ अभी पिलर नंबर 1 के पास। आप 5 से 7 मिनट में ही हाजीपुर से पटना पहुँच जाओगे। यहाँ देख सकते हो आप फुटपाथ की ढलाई का काम किया जा रहा है और साथ ही रेलिंग भी लगा दिया गया है। आगे रहा सामने पटना गाय घाट और जो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन और आज कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि थंबनेल और लोकेशन देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको गांधी सेतु के पूर्वी लेन जो कि बनकर तैयार हो गया है और 7 जून को इसका इनॉग्रेशन होने वाला है उससे पहले आज मैं आपको इसकी राइड पर लेकर चलने वाला हूँ हाजीपुर से लेकर पटना गाय घाट के तरफ। आप देख सकते हो मैं हूं अभी पिलर नंबर 1 के पास और आज मैं आपको हर एक डिटेल बताऊंगा इस महात्मा गांधी सेतु के बारे में और साथ ही साथ अब काम कितना बचा है वो भी मैं आपको दिखाता चलूंगा। सो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा जिससे आपका ये दोस्त और आपका ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। और हाँ, मेरे सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को भी मैं बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच गाइज आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट देने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब आपका कमेंट पढ़ता हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर किसी के कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ और आगे भी देता रहूँगा। तो चलिए अब अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और आपको इस फ्लाईओवर के बारे में बताता हूँ। तो गाइज एक बार फिर से मैं आपको इस महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर राइड करके इसके काम को दिखा रहा हूँ और आप देख भी सकते हो काम 99% पूरा हो गया है। बस पेंटिंग का काम हो रहा है और कहीं कहीं थोड़ा फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। उत्तर से दक्षिण बिहार को जोड़ता अपना ये गांधी सेतु का इनॉग्रेशन 7 जून को होने वाला है और फिर आप 5 से 7 मिनट में ही हाजीपुर से पटना पहुंच जाओगे। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट रखी गई है इस गांधी सेतु पर। और काम की बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों तरफ साइड वॉल पर पेंटिंग का काम हो गया है। नीचे रोड पर मास्टिंग का भी काम कंप्लीट कर लिया गया है। एक्सपेंशन जॉइंट के काम को मैंने अपने पिछले ही वीडियो में दिखा चुका था। ऊपर आप स्ट्रीट लाइट भी लगा हुआ देख सकते हो। बस कहीं कहीं फाइनल फिनिशिंग का काम चल रहा है। यहाँ देख सकते हो आप फुटपाथ की ढलाई का काम किया जा रहा है और साथ ही रेलिंग भी लगा दिया गया है। आगे भी रेलिंग लगाने का काम कुछ दूर तक हो गया है, आप तस्वीरें भी देख सकते हो। वैसे ये फुटपाथ कंप्लीट हो पाएगा या नहीं अभी कहना मुश्किल है, बाकी ब्रिज पूरी तरह से कंप्लीट है वो आप देख सकते हो। और गाइज थोड़ा इस पुल के बारे में मैं आपको बता दूं तो 5.75 किलोमीटर लंबा इस महात्मा गांधी सेतु पुल को 1983 में बनाया गया था लेकिन 2 दशक के बाद ही पुल काफ़ी कमज़ोर हो गया था जिसके बाद जो इसका पश्चिमी लेन है उससे 2016 में पुल की मरम्मत के लिए ऑर्डर दिया गया जिसे 2020 तक स्टील से बना सुपर स्ट्रक्चर लगाया गया जो कि आप देख भी सकते हो। उसके बाद पूर्वी लेन का काम शुरू कर दिया गया है जो अब पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। अभी जो फुटपाथ आपको मैंने दिखाया वो फुटपाथ ही नहीं बल्कि बाइक और साइकिल से सफ़र करने वालों के लिए बनाया जा रहा है और इसके अलावा सेतु के स्पैन में केबल के लिए सिस्टम बनाया गया है जिससे किसी भी तरह की पाइपलाइन सेतु में ही बिछाई जा सके। और इस पुल को बनाने में ओवरऑल खर्च की बात करूं तो जब ये पुल बनाया गया था 1983 में तो उस समय 87 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और अब सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर बदलने में ही करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पर क्या खूबसूरत लग रहा है ये एक सेतु और ऊपर से अकेले राइड करने का मजा ही अलग है। तो आइए आगे चलते हैं और कहां काम चल रहा है वो भी देख लेते हैं।
तो अभी मैं हूँ पिलर नंबर 33 के पास और यहाँ अभी पेंटिंग का काम चल रहा है, आप देख सकते हो। आइए थोड़ा और पास से दिखाता हूँ। तो ऐसे ही बीच बीच में काम होता हुआ आप देख सकते हो। इस गांधी सेतु को सजाने की बात की जा रही है, जैसे आप कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज पर लाइटिंग लगा हुआ देखते हो, और अगर इसे आगे चलकर लगाया जाता है तो इसकी खूबसूरती देखने लायक होगी। यहाँ भी आप देख लीजिए, साइड वॉल को पेंट किया जा रहा है, डबल लेयर की कोटिंग की जा रही है, आप तस्वीरें देख सकते हो। और ये रही गंगा नदी, क्या जबरदस्त सा व्यू है, एकदम अल्टीमेट वाली फीलिंग आती है, ये तो आप यहाँ आकर ही फील कर सकते हो। बाकी नीचे आप मशीन लगा हुआ भी देख सकते हो। यहाँ ये जो फुटपाथ बनाया जा रहा है उसके शटरिंग का काम अभी होना बाकी है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये वाला जो हिस्सा है उसे कंप्लीट होने में अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है। इनॉग्रेशन के तक ये काम हो पाएगा या नहीं ये तो उसी दिन पता चलेगा। फिलहाल आप इस गांधी सेतु का व्यू देख सकते हो। तो बस ये रहा सामने पटना गाय घाट, और जो पहले हम लोग उधर पश्चिमी लेन में जाम की समस्या फेस किए हैं, खास करके फेस्टिवल के टाइम वो गंदा वाला जाम, अब वो शायद ही कभी देखने को मिले। सो गाइस, बस अब कुछ दिनों का इंतज़ार, और 7 जून को मैं फिर से जुड़ूंगा आप सभी के साथ इस गांधी सेतु के इनॉग्रेशन में। तो ये था हाजीपुर से लेकर पटना गाय घाट तक के इस नए पूर्वी लेन पर पहली राइड का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नए जगह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।